अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्लूबेरी की शरबत और जेली के साथ। जेली भी मैंने इसी के कलर की इस्तेमाल किया है, इसमें नींबू का जूस भी मैंने डाला है। बहुत मज़े की बने हैं। आप लोग इफ्तारी के टाइम ये शरबत बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। चलो चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं। रूहअफ़ज़ा का मैंने बनाया है तरबूज के साथ, वो मैंने आप लोगों को दिखाया, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। अभी ये वाले शरबत मैं बना रही हूँ, आप लोग उसको देखें। देखें, चीनी मैंने डाल दिया, चीनी को अमल करेंगे। चीनी अलग गया, अब इसमें मैं पानी डालूंगी। डाल दिया। अब ये देखें, ब्लूबेरी का शरबत है, इसमें मैं डाल रही हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं ये, देखें ब्लूबेरी के। अब इसमें मैं दो नींबू को मैंने काटा है, इसका जूस हम इसमें डाल देंगे। दो नींबू का जूस मैंने इसमें डाल दिया। रोज़े में रेसिपी बनाना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, तबीयत भी सही नहीं है। ये देखें, जेली भी मैंने इसके कलर का बनाया है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। बहुत मज़े की बने हैं। थोड़ा सा शरबत में और डालूंगी। पानी शरबत हमारा रेडी हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कितने मज़े की बने, खट्टे मीठे। बहुत मज़े की बने हैं, आप लोग इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगा। अब मुझे इजाज़त दे ढेर सारे दुआओं के साथ। अब मुझे इजाज़त दें ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।